व्हाट्सएप गाइस, अगर आपको भाई 15 अगस्त के लिए कुछ इस प्रकार से टी शर्ट नेम फोटो क्रिएट करना चाहते हैं जिस पे आपका नाम लिखा हो व्हाट्सएप DP लगाने के लिए या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए, तो भाई यह बिल्कुल सही वीडियो पे है। तो भाई हम इस तरीके की फोटो को एडिटिंग करने के लिए टी शर्ट नेम वाला हम अपने गूगल ऐप को ओपन करना होगा। भाई ओपन करने के बाद सिंपली सर्च बार पे आएगा और भाई सर्च बार पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा विंक इमेज क्रिएट कुछ इस प्रकार से। आप जैसे विंक इमेज क्रिएट सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। तो भाई आपको जो फर्स्ट में वेबसाइट दिखेगा विंक का, तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपके सामने हल्का सा लोडिंग होकर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो भाई आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे अपने फोटो को क्रिएट कर सके। तो भाई आपको अगर यहाँ पे लॉगिन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उस वीडियो देख के यहाँ पे इजीली लॉगिन कर सकते हो। और भाई उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसलिए यहाँ से भी देख के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और भाई लॉगिन करने बाद आपको पता ही होगा कि आपको जिस प्रकार के फोटो को बनाना होता है हमें उस प्रकार के यहाँ पे जो कि फ्रंट को पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रंट है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। भाई आपके पास ये फ्रंट नहीं है तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ इन सभी फ्रंटों का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भाई स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना हो, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हो, तो आपको इस तरह से करना होगा। भाई करने बाद आपको यहाँ पे फ्रंट में कुछ एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में थे 20 ईयर्स हुआ जहाँ पे है ना, सिंपली आपके उम्र के हिसाब से यहाँ पे देख लिया कि आपका उम्र कितना है, और यहाँ पे आपको अपना उम्र सिलेक्ट करना होगा। भाई उम्र सिलेक्ट करने बाद अगर आप यहाँ पे गर्ल है तो सिंपली आपको बॉय वाले ऑप्शन पे आना होगा और बॉय को इरेज करना होगा। बॉय को इरेज करने बाद यहाँ पे आपको गर्ल टाइप करना होगा, और गर्ल टाइप करने बाद यहाँ पे हमें जो मेन काम है अपने टी शर्ट पे कौन सा नेम रखना है, यहाँ पे जैसे नेम ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे नेम ऐड वाले ऑप्शन पे आना होगा। और भाई आने बाद आपको इस प्रकार से इसे इरेज करना होगा, यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसे इरेज कर दी हूँ। और भाई इरेज करने बाद आपको जो टी शर्ट पे नेम रखना है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होता है। यहाँ पे मैं इस प्रकार से अपना नाम रख लेता हूँ गौतम, और भाई गौतम नाम रखने बाद सिंपली आपको इसे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। भाई जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोडिंग हो, तो भाई आपको लगभग 1 मिनट तक वेट करना होगा। 1 मिनट से भाई पहले ही होता है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से वेट कर लेना होगा। हम भी भाई थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे सामने कब तक फोटो बन के आता है। तो फाइनली से थोड़ा देर वेट करने बाद हमारे सामने यहाँ पे हमारा जो फोटो है कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ गया। फर्स्ट हमारा जो फोटो है कुछ इस प्रकार से, और सेकेंड कुछ इस प्रकार से, और थर्ड कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जो लास्ट है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फोटो है वो भाई दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे हमारा नाम जो एकदम अच्छे तरीके से इसमें छपा हुआ। सिंपली आपको इस फोटो को डाउनलोड कर लिए आपको इसे फोटो प्रेस करना होगा। जिसे प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको नीचे में डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना होगा। और भाई जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये जो फोटो वो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर मेरा जो फोटो है डाउनलोड हो गया है। और भाई डाउनलोड होने के बाद अगर आपको इसमें से कोई भी, जैसे कि मान लिया कि आपको यहाँ पे कोई भी फोटो अच्छा नहीं है, तो सिंपली आपको इसे चेंज कर देना होगा। तो सिंपली आपको इसे क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और भाई जैसे आप क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या जो चारों फोटो था यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद यहाँ पे आपको नया 4 फोटो ऐड होके आ जाएगा। तो आप इस तरह से करके आपको देख लो कि आपको कौन सा फोटो अच्छा लगता है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।